एलएसी पर चीन से विवाद के बीच भारतीय सेना ने बख्तरबंद गाड़ियों को गलवान घाटी में तैनात किया है। चीन की तरफ से बख्तरबंद गाड़ियां लाने के बाद ये जवाबी तैनाती है। भारतीय सेना की ये बख्तरबंद गाड़ियां न केवल दुश्मन पर मिसाइलों, मोर्टार, रॉकेट्स और मशीन गन से जबरदस्त हमला कर सकती है, बल्कि इसके अंदर बैठकर सैनिक मैदान जंग की हर गोलाबारी से सुरक्षित रहकर आगे बढ़ सकते हैं। नेपाल ने भारत से लगी सीमा पर नेपाल सशस्त्र बल की 2 अस्थायी पोस्ट को शनिवार को अचानक हटा दिया। जवानों को मुख्यालय जाने के आदेश दे दिए गए। अब सीमा पर महज 3 अस्थायी पोस्ट बची। इनके भी धीरे धीरे बंद होने की संभावना है। काठमांडू से गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये दोनों पोस्ट हटाई गई। चीन में कोरोना के बाद एक और महामारी फैलने की खबर आई है। उत्तरी चीन के एक शहर में रविवार को ब्यूवानिक प्लेग का एक संदिग्ध मामला सामने आया, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया। ये सरकारी चीनी मीडिया ने जानकारी दी। कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बरकरार है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि चीन के कारण अमेरिका और दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है। कुवैत की नेशनल असेंबली ने अप्रवासी कोटा बिल को मंजूरी दे दी है। अब इसे असेंबली की दूसरी समितियों के पास भेजा जाएगा। बिल के पारित होने के बाद करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। बिल के मुताबिक कुवैत में भारतीयों की संख्या देश की आबादी में 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत के कूटनीतिक घेराव से परेशान चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के सामने सर्विलांस सिस्टम लगाया है। पीओकी के जीआरएस टॉप और फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन चलीला में भी अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम लगाए गए, जिसके जरिए भारत की जासूसी की जा रही है। दक्षिण चीन सागर में जारी युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान अमेरिका के 11 फाइटर जेट एक साथ दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में उड़ रहे हैं। इसके बाद बौखलाए चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका इस समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। आपको बता दें कि चीन की सेना भी दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास ले चुकी है। महाराष्ट्र के लुनार झील के बाद अब इटली के आल्प्स की पहाड़ियों पर बर्फ का रंग गुलाबी होता जा रहा है। इस प्राकृतिक बदलाव को देखकर वैज्ञानिक भी परेशान हैं। इससे पहले मई के महीने में अंटार्कटिका की बर्फ हरे रंग में बदल गई। केंद्र सरकार ने सोमवार को विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं को स्वास्थ्य मंत्रालय के सुरक्षा दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए फाइनल परीक्षाएं आयोजित करने की छूट दे दी। गृह मंत्रालय ने इस बारे में पत्र जारी किया है, जिसमें फाइनल टर्म की परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिन बेचारा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट संजना सांघी है। यह फिल्म काफी लंबे वक्त से रुकी हुई थी, लेकिन सुशांत के सुसाइड के बाद इसे 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है, जिसे कोई भी मुफ्त में देख सकेगा।